हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बुध देव के राशि परिवर्तन का। तो बुध महाराज गुरु के मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं। 3 दिसंबर तक वृश्चिक में है और यहाँ से लेकर 28 दिसंबर तक धनु में इनका गोचर होगा। तो 25 दिन का जो गोचर है बुध का, वो आपके लिए क्या लाभकारी है? तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक बुध की गोचरी स्थिति क्या लाभ देगी आपको? बुध मतलब बुद्धि के स्वामी, बुध वाणिज्य व्यापार, बुध विद्या, बुध एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा टीचर, बुध एक अच्छा एजेंट, एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा दलाल। बुध जो है ना, अगर बेचने पे आए तो गंजे को कंघा बेच देता है, और खरीदने पे आए तो आपके सोने को पीतल के दाम परचेज कर लेता है। ये खासियत है बुध की। तो बुध आपके कुंडली में किन किन कारकत्व को लेके चल रहे हैं उसी के अनुसार आपको लाभ देंगे। तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए यह बुध महाराज तृतीय भाव और खष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। गोचर करेंगे नवम भाव में। नवम भाव में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र मिलेंगे, मतलब केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र मिलेंगे। तो सूर्यदेव के नक्षत्र में अलग फल देंगे, शुक्र के अलग और केतु के अलग। लेकिन मोटा मोटा फल क्या होगा, क्योंकि ये पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। और इनके खष्टम भाव में हस्त स्थापना गम्या शक्ति चलती है, मतलब छठवीं राशि में, कन्या राशि में। तो ये आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पराक्रम के स्वामी है तो पराक्रम के द्वारा आपका भाग्योदय कराने की कोशिश करेंगे। मित्र बंधु बांधव भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मूल त्रिकोण राशि खष्टम भाव में है, ध्यान दीजिएगा। मूल त्रिकोण राशि खष्टम भाव में है, इसलिए खष्टेश होने के नाते रुकावट देंगे, बैक पेन देंगे, कमर में दर्द देंगे। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। धार्मिक यात्रा पर जाएं तो टीका टिप्पणी बेवजह ना करें, ये भी एक आदत आपके अंदर आ सकती है। एक यात्रा तो आपकी धार्मिक यात्रा बनती है। चलिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए बुध महाराज द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं। द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में करेगा गोचर। अष्टम भाव एक गहरा गुफा है, गहरा कुआं है। अब अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध हैं धन के स्वामी। अपने घर को सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो गुप्त तरीके से धन कमाने की कोशिश करेंगे। देखिए गुरु महाराज इसमें लाभ भाव में चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपको पैसा मिले, धन मिले, तो ऐसे में बुध का वो सपोर्ट कर देंगे। तो बुध गुप्त तरीके से आपको पैसा कमा के देंगे। तो अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इस समय है आपको पैसे का प्रयास करने का, और आपको पैसे मिल जाएंगे। बस कोशिश ये करेगा कि सब कुछ एक बार में निकालने की कोशिश मत करेगा, टुकड़े टुकड़े ही मिलते हैं, ले लीजिएगा, आपका पैसा है। बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, संतान भी प्रगत करते हुए प्रतीत हो रही है, लेकिन प्रेम जो है गड्ढे में जा रहा है। संतान हो सकता है दूर आपसे, या कहीं एडमिशन वगैरह आप करा रहे हैं, कुछ ऐसा करा रहे हैं, जा सकती है। उधर का विशेष ध्यान रखना, पेट का विशेष ध्यान रखना, कंसंट्रेशन थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुध को मजबूत करिए, लाभ लीजिए। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचरी स्थिति योगप्रद है। योगप्रद होने का कारण यह है कि आपके लग्नेश सप्तम में जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया के पास आप जा रहे हैं। वहीं आपके सुखेश अपने से चतुर्थ जा रहे हैं, तो सुख का स्वामी सुख में, ठीक है ना, बहुत अच्छा योग है। और आपके जो सप्तमेश हैं वो अपने से चतुर्थ हैं, सुखेश अपने से चतुर्थ, सप्तमेश अपने से चतुर्थ, दोनों चतुर्थ चतुर्थ हैं, ऐसे कह लीजिए। तो यहाँ पे आपके दोनों माताओं के बीच में सामंजस्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपके बच्चों की माँ और आपकी माँ दोनों के बीच बढ़िया तारतम्य है। और घर में अगर पारिवारिक माहौल अच्छा हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो बेहतर समय है, लाभ उठाइए। भूमि भवन वाहन के लिए कुछ आप करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग लेके करिए, लाभ आपको हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बुध महाराज की गोचरी स्थिति या बुध की दशा, अंतर दशा ठीक नहीं जाती। कारण वो तृतीयेश होते हैं और साथ में होते हैं व्यय, व्यय भाव में आर्द्रा नक्षत्र चलता है,
तो अब ऐसे गुरु महाराज खष्टम भाव में गोचर करेंगे। यदि आपके चंद्रमा आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपके लिए बना देंगे विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में 3 गुना लाभ आप उठा सकते हैं। कितने गुना? 3 गुना लाभ उठा सकते हैं। और विपरीत राजयोग नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो बेवजह आप शत्रुओं से उलझते हुए प्रतिस्पर्धा परीक्षा में बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है, पहली बात तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए बुध दो दो धन भावों के स्वामी है। एक कुंभ में बनता है और एक सिंह में बनता है, जहाँ पे एक ही ग्रह दो दो धन भावों का स्वामी हो जाए तो बेहतर ही हो गए। और चल रहे हैं पंचम भाव में, विद्या बुद्धि के द्वारा बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, विद्या बुद्धि के द्वारा धनार्जन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि अपने ही लाभ के घर पे है, तो लाभ के लिए आप विद्या का प्रयोग करो, लाभ के लिए बुद्धि का प्रयोग करो, लाभ के लिए प्रेम का प्रयोग करो, लाभ के लिए बड़े भाइयों का सपोर्ट ले लो, आपको लाभ हो जाएगा। देखिए ग्रह बहुत कुछ हमसे कहते हैं, उनकी भाषा को समझना चाहिए। तो आपको कहाँ से लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, ये आपका ग्रह यहाँ पे आपको बता रहा है। तो इसके बाद कन्या राशि में जाएंगे, कन्या लगन कन्या राशि। कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली है। कारण भाई आपके केंद्र के स्वामी केंद्र में गोचर करेंगे, दोनों केंद्र के स्वामी केंद्र में है, तो केंद्रीय मंत्री केंद्र में ही है, अपने ऑफिस में है, अपने कार्यालय में है, तो बेहतर परिणाम देगा ना। अब बुध महाराज आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी कर्म के स्वामी अपने से दशम गोचर करेंगे, तो कोई अगर सरकारी कार्य है, सॉरी अपने से सप्तम गोचर कर रहे हैं, तो कोई सरकारी काम है तो वो आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप घर से बहुत दूर है, घर नहीं जा पा रहे थे, तो इस समय यात्रा आपके लिए घर के लिए बन रही है। माता का सुख, जीवन संगनी का सुख, सहयोग, आपको प्यार, घर के लिए कुछ नवीन कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा आपकी ये गोचरी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ और योग फल प्रद देने वाला है आपके लिए। तुला लगन तुला राशि, उपाय परिहार में लास्ट में एक लाइन आपको सब लोगों को बताऊंगा क्या क्या परिहार करना है, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि, अपने सेहत का ख्याल रखिए, मौसम परिवर्तित हो रहा है, सबको थोड़ी जुकाम उकाम हो सकती है। तुला राशि में जो बुध महाराज हैं आपके वैभव के स्वामी हैं और स्वामी हैं, ये आपके भाग्य के गोचर करेंगे पराक्रम के घर में, तो आप पराक्रमी होंगे। लेकिन क्योंकि ये व्यय भाव इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कहीं आपके कर्म का व्यय ना हो जाए, बेवजह मत घूमिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए। आपका जो समय जा रहा है लौट कर वापस नहीं आएगा। दुनिया के किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी भी धन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि समय खरीद के दे सके, इसलिए आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। अपना समय अपने जीवन अपने जीवन साथी के लिए अपने घर वालों के दीजिए। आप इस समय समय जो है बेवजह लोगों को दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनको जो आपका वैल्यू नहीं करते हैं, तो कृपया आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बेवजह मत टहलिए। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से सही ढंग से अगर पराक्रम कर सके तो लाभ हो जाएगा, और सही ढंग से नहीं पराक्रम कर सके तो कर्म का व्यय हो जाएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचरी स्थिति द्वितीय भाव में बन रही है, तो द्वितीय भाव में बनती हुई यह स्थिति दो तरह के परिणाम देगी। एक तो आपके कुंडली में लाभेश है, क्या है? लाभेश है, तो लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आपकी कुंडली में अष्टमेश है, तो अष्टमेश होने से थोड़ी सी हानि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपकी कुंडली में लाभ का स्वामी धन भाव में है, तो ज़्यादा संभावना यह है कि आपको धन प्राप्त होगा। लेकिन अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व भी बुध कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ के पैसा लगाएं, सोच समझ के पैसा दें, नहीं पैसा डूब भी सकता है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में आपकी गोचरी स्थिति जो बन रही है वो केंद्र में बनेगी, लगन में बनेगी, और बुध आपके लगन में चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा चालाक हो रहे हो, एक्स्ट्रा बुद्धि आपके पास आ रही है, एक्स्ट्रा क्षमता आ रही है। और ये कारकत्व को क्या लेके चल रहा है? कर्म के कारकत्व को लेके चल रहा है, व्यापार के कारकत्व को लेके चल रहा है, जीवन साथी के कारकत्व को लेके चल रहा है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया आपके पास आ रही है, सिमट रही है, लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपसे अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, बिना मांगे आपको सपोर्ट मिल रहा है, बिना मांगे सपोर्ट मिल रहा है, तो लाभ उठाइए महाराज। आपके गुरु भी केंद्र में ही चल रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में बुध महाराज खष्टेश है, खष्ट मतलब संघर्ष, और संघर्ष से ही तो विजय प्राप्त होती है, और भाग्य भाव के स्वामी है, गोचर करेंगे व्यय भाव में, तो देखिए आपके संघर्षों का आपके परिवार तो परेशानियों का व्यय हो रहा है, कष्टों का व्यय हो रहा है, और आपके भाग्य में भी थोड़ी कमी आ रही है, तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, ठीक है ना।
सिर्फ भाग्य के भरोसे अगर बैठे हैं तो भाग्य भी आपके ही भरोसे बैठा है और आपके शनि लगन में ही है। वो बोलते हैं बेटा उठ जाओ, काम करो, क्योंकि अभी हमें आपको धन देना है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में ये जो गोचरी स्थिति बन रही है, लाभ के घर में बन रही है, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक लाइन में बोले लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि पंचमेश लाभ के घर में जा रहे हैं और आपके कुंडली में अष्टम भाव के कारकत्व तो एकादश भाव लेके बुध एकादश भाव में जा रहे हैं। गुप्त तरीके से पैसे आप कमा रहे हैं, मेष के नीचे से पैसे आ रहे हैं बुद्धि के द्वारा, तो लाभ उठाइए, आनंद करिए। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वो केंद्र में बनती हुई दिखाई दे रही है, श्रेष्ठ फल है। यहाँ पे माता का सुख, माता का स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ, क्योंकि माँ कष्टम जा रही थी, माता कष्टम जा रही थी, तो माँ के संबंधित कुछ परेशानियां भी आई थी, लेकिन अभी यहाँ से बेहतर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सुख और सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि आपके कुंडली में बुध महाराज कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, मतलब पंचम के या केंद्र के स्वामी है, तो ऐसे बुध के रेमेडीज आप ये कर सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं या हरे कलर के कपड़े पहन सकते हैं। बुध आपके कुंडली में 6/12 के स्वामी हैं, तब आप बुध को केवल नमन करिए। खोटे ग्रह जपदान, खोटे ग्रह जपदान, ध्यान रखिएगा, जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा ना, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप प्रणाम करते रहिए। पंछियों को मूंग की दाल खिलाइए, गाय को चारा खिलाइए, गणपति स्त्रोत का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए या ओम गम गणपतये नमः जाप करिए, बेहतर होगा। सुबह सुबह नंगे पैर दूब पे चला करिए, घास पे चला करिए, वो बेहतर है, ठंडी का सीजन है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए चलिएगा, पता लगा जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए। चलिए, बुध महाराज आपकी बुद्धि को ठीक करें, आपको बुद्धत्व तक पहुंचाएं, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।